हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आ गए हैं बनारस। तो आज पूरे दिन बनारस में घूमने वाले हैं और अभी हम भेलूपुर में रुके हुए हैं, जो कि पार्श्वनाथ भगवान का जन्म स्थल भी है। तो स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे, आपको सबसे पहले पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करा दो, उसके बाद पूरा बनारस भी घूमेंगे, हर एक जगह घूमने वाले बनारस में। तो आप वीडियो को स्किप कहीं भी मत करिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भेलूपुर से। तो अभी भेलूपुर जैन मंदिर के दर्शन किए हैं, इसके बाद अब जहाँ भी जाएंगे तो आपको बता देंगे, पता नहीं ऐसे जहाँ कहाँ रहे हैं। तो ये दुर्गेश्वर मंदिर, यहाँ दुर्गा जी बैठी हुई है। तो ये दुर्गेश्वरी मंदिर में अंदर फोटो खींचना तो मना था, तो फोटो खींच नहीं पाए, जितना था बाहर से शिखर दिखा दिया है। अभी आए सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर। बोलो राम जी सरकार की जय। अभी आए थे BHU के कैंपस में, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है। वो सुबह 7 से 10 का टाइमिंग है उसकी, अब 3 बजे खुलेगा। हमारे साथ यहाँ पे एक नेताजी मिल गए थे, ये उनके बॉडीगार्ड। और वो नेताजी के पापा और उनके बरगद्दा। हाय बोलो सर, हाय। अरे नो मोर फोटो। जो ये इसमें पीछे जो दीवार टाइप से बनी हुई है, इसमें पूरा 80 घाटों का दिखाया हुआ है कि पहली घाट कहाँ किसको बोलते हैं, दूसरी किसको बोलते हैं, तीसरी। तो ऐसे पूरी 80 घाटों का डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है पूरा अच्छे से, तो इसलिए इसको 80 घाट बोलते हैं। और हम आए हैं यहाँ बनारस की गलियों में घूमने, मंदिर तो मिल नहीं रहे तो गलियाँ घूम रहे हैं। ये देखो गलियाँ घूम रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रही है, गर्मी लग रही है, पसीने बह रहे हैं हाथ से, नाक से, कान से। बोलिए वो मंदिर घूमते पर यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत शानदार हवा चल रही है यहाँ पे। सामने पूरा घाट है, भदावनी घाट, गंगा नदी है सामने, और ये पीछे मंदिर का गेट है।
अच्छी नदी बह रही है, बहुत प्यारी प्यारी मंद मंद हवा चल रही है। अभी काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके आए हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। बहुत बढ़िया, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। 50 पर्पज से उससे अंदर फोन ओन अलाउ तो थे नहीं, तो वीडियो नहीं बना पाया, नेट से फोटो निकाल के डाल दूंगा। गंगा आरती और पूरे जो भी घाट थे सब घूम के आ गए हैं। अब यहाँ से निकलते सीधा घर, बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग।